तकनीक मामले में देश की उड़ान से दुनिया हैरान। ताकतवर देश भारत से कर रहे तमाम बड़े करार। अमेरिका से रूस तक को निर्यात हो रहे हथियार। दोस्तों, कोई भी काम खत्म तभी होता है जब उसकी शुरुआत होती है। कभी वो वक्त भी था जब देश में केवल गरीबी हटाओ का नारा लगाकर दशकों तक सरकारें बनाई जाती रही और हमेशा ये बताया जाता रहा कि हम बहुत पीछे हैं और तमाम तकनीक सामानों के लिए दूसरे देशों से आयात किया जाता था। छोटी छोटी चीज़ें भी देश नहीं बना पाता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। देश तकनीक मामलों में उड़ान भर रहा है। दुनिया भर के देशों को देश तमाम तकनीक उपकरण निर्यात कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश ने ऐसे देशों को निर्यात किया है जो तकनीक के मामले में बादशाह हैं। एक क्षत्र जिनका दुनिया में राज है। देश ने अमेरिका से लेकर रूस तक को हथियार और सुरक्षा उपकरण निर्यात किए हैं। देश की ये बढ़ती धमक दुश्मन देशों की नींद उड़ाने वाली है, खासकर उन देशों की जो ये दावा करते हैं कि भारत के पास हथियार ज़रूर हैं लेकिन वो उसके बनाए नहीं हैं। दोस्तों, आज देश भयानक खतरनाक हथियार बनाने में सक्षम है। दुनिया के देशों को मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम निर्यात कर रहा है जो देश की ताकत को बताता है। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है, खासकर इससे पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की नींदें उड़ गई हैं। सवाल उठता है कि आखिर किस खबर से तुर्की पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है? देश ने क्या बड़ा धमाका किया है? क्यों मचा है तहलका? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। जंग के मैदान में नए हथियार मचा रहे बवंडर। युद्ध के तौर तरीकों में हो रहे बहुत बड़े बदलाव। मानव रहित लड़ाइयों में टेक्नोलॉजी का बढ़ा जोर। दोस्तों, आज बदलते युग के साथ जंग के मैदान का स्वरूप भी बदल चुका है। आज जंग में पुराने हथियार बेकार साबित हो रहे हैं क्योंकि अब मानव रहित लड़ाइयों पर जोर दिया जा रहा है। हर देश जंग में मानवीय क्षति को कम से कम करना चाहता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमरे के अंदर बैठ कर जंग के मैदान में धमाके किए जा रहे हैं। मिसाइलों को नई नई तकनीकियों से लैस किया जा रहा है। बात अब केवल मारक क्षमता की नहीं की जाती है, बात अब तमाम तकनीकियों की होती है। दुनिया भर के देश कम दूरी की मिसाइलें तैयार कर रहे हैं। वहीं ऐसे डिफेंस सिस्टम भी विकसित किए जा रहे हैं जो हवाई हमलों को रोकने में सक्षम हो। दोस्तों, सवाल उठता है कि हवाई हमलों को रोकने में देश कितना सक्षम है? इसके लिए किस हथियार का सेना कर रही है इस्तेमाल? किस देश से किया गया आयात? तो दोस्तों, देश के पास तमाम स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की चुनौतियों को हवा में ही बर्बाद कर सकते हैं, जिनमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा देश रूस से आयातित दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल भी करता है जो किसी भी हवाई चुनौती को हवा में ही बर्बाद करने में सक्षम है। दोस्तों, ये सिस्टम इतना खतरनाक है कि इसकी ताकत से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी नहीं बच सकती हैं। देश ने पाकिस्तान और चीन की चुनौती को देखते हुए सिस्टम को तैनात किया है। दोस्तों, इसके अलावा लेजर वेपन भी जंग में भयंकर दमखम दिखा रहे हैं। हाल में ही हमास इजराइल जंग में इस तरह के वेपन का इस्तेमाल होने के बाद इसकी चर्चा जोरों पर है। सवाल उठता है कि आखिर इजराइल हमास जंग में इजराइल ने किस तरह के लेजर वेपन का इस्तेमाल किया? भारत के पास किस तरह के लेजर वेपन है? इनकी क्या क्षमता है? तो दोस्तों, इजराइल की ओर से लेजर वेपन का इस्तेमाल करते हुए उत्तरी गाजा में एक घर को निशाना बनाया गया। दसन की रिपोर्ट में ऐसी तस्वीरें दिखाई गई हैं जिसमें एक लेजर लाइट से एक घर को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। यह लेजर लाइट जैसा हथियार एक घर से टकरा रहा है। लेजर लाइट स्ट्राइक की यह घटना राफा में इजरायली हमले तेज होने के बाद सामने आई है। अगर भारत की बात करें तो देश के पास भयंकर लेजर हथियार है। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल हैं। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे सशस्त्र विमानों और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मारकर गिरा सकता है। सवाल उठता है कि आखिर ये हथियार कैसे करता है काम? तो दोस्तों, भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है जो सेकेंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन
और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के हमले के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। इतना ही नहीं, दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं लेजर हथियार विकसित करने में फेमस प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट लेजर वेपन डिवेलप कर चुकी है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी। इतना ही नहीं, मानव रहित लड़ाइयों को देखते हुए भारत अब इस तरह की तकनीक में भी दमखम दिखा रहा है और न केवल सार्वजनिक बल्कि निजी क्षेत्रों की कंपनियां भी इस मामले में बवंडर मचा रही हैं। और अभी हाल में ही दोस्त इजराइल ने बहुत बड़ा करार देश के साथ किया है। सवाल उठता है कि तकनीक के मामले में बेहद ताकतवर देश इजराइल ने भारत से किस चीज की डिमांड की है, किस तरह का किया है बड़ा करार, इससे IDF को क्या मिलेगी मदद। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। देश ने बनाया ऐसा हथियार कि दुनिया देखकर रह गई दंग। इसराइल ने 10,000 ड्रोन के लिए कर डाला करार, मचा बवाल। सूरत की कंपनी ने किया कमाल, सेना को मिलेगी बड़ी ताकत। दोस्तों, इस बीच जंग में मानव रहित विमान या ड्रोन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसे देखते हुए भारत ने इस दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। PM मोदी इस तकनीक के मामले में तेजी से आगे बढ़ने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। जहां देश की सेना तमाम स्वदेशी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, वहीं भारत के बने ड्रोन दुनिया भर में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। और सूरत की एक कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है कि इजराइल जैसा देश जिसने सुपर पावर को ड्रोन तकनीक दी थी, उसने खुद भारत से ड्रोन के लिए करार किया है, जिसके तहत भारत की कंपनी 10,000 ड्रोन इजराइल को सौंपेगी। सवाल उठता है कि आखिर इस ड्रोन की क्या है ताकत, क्यों इसे लेकर दुनिया भर में हो रही है चर्चा। तो दोस्तों, इजराइल ने भारत से सालाना 1,000 ड्रोन की मांग की है, यानी अब 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन इजराइल को दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन कई सुविधाओं से युक्त है। इन ड्रोनों में कई तरह की सुविधाएं हैं और ये कामकाजी कृषि से लेकर दुश्मनों पर हमला करने की ताकत रखता है। कामकाजी ड्रोन को मीलों दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस ड्रोन को कंपनी ने FPB का नाम दिया है। कामकाजी ड्रोन के साथ कंपनी ने जासूसी के लिए एक छोटा ड्रोन भी बनाया है, जिसे एडविक रैकी नाम दिया गया है। इसके अलावा कृषि ड्रोन भी है, जिसका प्रयोग खेत में फसलों पर छिड़काव के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस कंपनी से बनाए गए ड्रोन की ताकत से केवल इजराइल ही नहीं बल्कि भारतीय सैन्य बल भी प्रभावित हुआ है। भारतीय सैन्य बलों की बातचीत सूरत की कंपनी से चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय सैन्य बल बड़े स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसे खरीदेगा। इन ड्रोन को बनाने वाले भारतीय युवाओं को सैन्य बल पुरस्कार देकर सम्मानित भी कर चुका है। कंपनी का दावा है कि इस ड्रोन को दुनिया के किसी एक कोने में बैठकर दूसरे कोने से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी यही ताकत इसे मैदान का बेहद खास हथियार बनाती है। सूरत में बैठकर इस ड्रोन को इजराइल में भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही अगर अचानक बमबारी करनी है तो भी दूर बैठकर इससे बमबारी की जा सकती है। दोस्तों, इजराइल की जंग में जहां दुनिया भर ने भले ही अपनी मदद के हाथ खींच लिए हों, लेकिन देश ने बैकडोर से तमाम गोला बारूद और खतरनाक हथियारों की सप्लाई की है, जिससे तेल अवीव को दुश्मनों से निपटने में मदद मिली है। दोस्तों, इजराइल भारत के बीच तगड़ी दोस्ती है और एक वक्त में उसने भी देश को हथियारों की मदद की थी। यही वजह है कि आज देश उसकी मदद कर रहा है। ऐसे में इन ड्रोन्स की डील इस दोस्ती को और मजबूत बनाने का काम करेगी। तो दोस्तों, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।